बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आज हम लोग बनाएंगे इमराती स्टाइल फिश सालोना। तो आप देख सकते हैं हमारा इमराती स्टाइल फिश सालोना जो बनेगा वो पूरा पानी के जैसे रहता है और खट्टा रहता है और उसमें कद्दू वगैरह इस्तेमाल होता है। तो हम लोग रेसिपी देखते हैं। तो हम लोग ने अभी मसाले के आपको बता रहे हैं, एक मैगी क्यूब लिया है हम लोग ने, कश्मीरी चिल्ली पाउडर हम लोग ने 1 टीस्पून लिया है, आधा टीस्पून सिनेमन स्टिक पाउडर, आधा टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, अरब भी बहरा तो 1 टेबल स्पून, और हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, और धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून हम लोग ने लिया है। ये मसाले में है। और हम लोग ने गार्लिक क्रश कर दिया है, छींच दिया है ईमानदिस्ते में 2 टेबल स्पून, और ये इमली का जूस है, आप देख सकते हैं इसका जूस जो है हम लोग मच्छी करी में डालेंगे। और ये हमारा बटर गार्ड यानी कि लौकी है, लौकी है तो ये भी हम लोग यूज करेंगे। टमाटो चॉप हम लोग ने 2 टमाटो चॉप किया है, और ये टमाटो पेस्ट हम लोग 2 टेबल स्पून टमाटो पेस्ट यूज करेंगे। ये हमारा ऑनियन चॉप है, 2 ऑनियन चॉप, 3 ड्राई लेमन और कोरिएंडर चॉप्स हम लोग किए हैं। तो ये सारा जो है हम लोग का फिश करी में यूज होगा। तो हम लोग अभी ऑयल ऐड किए, और हम लोग ने 5 पीस ब्लैक पेपर होल और 2 पीस ग्रीन इलायची लिया है, और ऑनियन चॉप हम लोग ऐड किए हैं। इसको हम लोग सौते करेंगे थोड़ा देर। तो हम लोग ने ऐड किया गार्लिक जो क्रश था, हम लोग गार्लिक क्रश छेंचा वाला जो गार्लिक था वो हम लोग ने डाल दिया 2 टेबल स्पून। हम लोग ने टमाटो चॉप ऐड किया है, 2 टमाटो चॉप हम लोग ने किया था। तो ये पूरा इमराती स्टाइल है, और भी इमराती स्टाइल में 4-5 स्टाइल से यानी कि डिफरेंट डिफरेंट फिश करी है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उसका भी रेसिपी वीडियो बना के डालेंगे। हम लोग ऐड किए हैं अभी ड्राई लेमन और 2 टेबल स्पून हम लोग ने टमाटो पेस्ट इसमें ऐड किया। तो हमारा जितना स्पाइसी था तो हम लोग डाल रहे हैं पूरे स्पाइसी को, जो मसाला है हम लोग ने ऐड किया है। अब इसको थोड़ा से हम लोग कसेंगे यानी कि थोड़ा से कुक करेंगे, और फिर एकदम कुक ज़्यादा ना करना, ब्लैक हो जाए ठीक है हल्का, क्योंकि आपका इमली का पानी इस्तेमाल करेंगे तो वो भी ब्लैक कलर आएगा। तो इसलिए मसाले को इतना कसना नहीं है कि ब्लैक हो जाए, तो हल्का पानी डाल के आपको कसना है मसाले को पकाना। तो हम लोग ने थोड़ा से इसमें 2 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड कर दिया,
और मैं आपको बता देता हूँ, जब मच्छी आपका रबी कटिंग है तो आप मच्छी को रोस्ट कर देना। हम लोग ने सॉल्ट ऐड किया है अपने टेस्ट के हिसाब से, आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ऐड कीजिए। फिर भी हम लोग हाफ टी स्पून ऐड किया है सॉल्ट। तो आपने तो नहीं, पहले मच्छी को तेल में थोड़ा से फ्राई करके हल्का, उसके बाद में सालोना में डालेंगे तो मच्छी का बास भी नहीं रहेगा और मच्छी अच्छा रहेगा, खाने में टेस्टी रहेगा। और एकदम कच्चा डालेंगे तो अरबी लोग लाइक नहीं करता है, ठीक है? तो आप, हर जगह का अलग अलग डिफरेंट टेस्ट होता है, लेकिन फिर भी आप इस तरह बनाएंगे तो मच्छी को ज़रा फ्राई करके, तो एकदम फ्राई नहीं करना है, यानी कि बस 2 से 3 मिनट फ्राई करना है, उसके बाद निकाल देना है। तो हम लोग ने लौकी ऐड कर रहे हैं जो बटर गार्ड है, तो इसमें और हम लोग भिंडी भी थोड़ा से ऐड करेंगे इंशाल्लाह, लेडीज़ फिंगर जो ओकरा बोलते हैं इंग्लिश में भी, उसको भी ऐड करेंगे इंशाल्लाह। तो इस तरह हम लोग पूरा कस देंगे, कसने के बाद में हम लोग इसमें पानी ऐड करेंगे। तो हम लोग ने पानी ऐड कर दिया, इसी तरह भी ढक्कन डाल के और थोड़ा पानी ऐड करके छोड़ देंगे, इसको पकने देना है। जब हमारा एक लौकी हम लोग का क्या मालूम है गलने पर आ जाएगा, पक गया, तो हम उसको चेक करेंगे, तो उसमें भिंडी जो लेडीज़ फिंगर है उसको ऐड कर देना है ओकरा को। उसके बाद में एकदम फाइनल में हम मच्छी ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा ऑलरेडी जो लौकी है वो हम लोग का बॉईल हो चुका है। तो हम लोग ने ओकरा जो है उसको ऐड किया है अभी, क्योंकि ओकरा बहुत जल्दी बॉईल हो जाता है जो भिंडी है, तो इसलिए अभी हम लोग का मच्छी भी हम लोग ने रोस्टेड कर दिया था ऑयल लगा के ऊपर से। तो अभी हम लोग मच्छी थोड़ी देर में इसमें ऐड करेंगे और फिर इसको धीरे आग से 15 से 20 मिनट धीरे आग में रखेंगे, और फिर हमारा फिश सालोना इंशाल्लाह 50% to 80% रेडी हो जाएगा। आप चाहिए तो गोटे मच्छी को भी आधा करके, एक मच्छी को 2 पीस करके थोड़ा फ्राई करके तेल में, और फिर इसको डालना चाहिए, ठीक है? कच्ची मच्छी का पसंद नहीं करते लोग, ठीक है, क्योंकि उसमें बिसेन बास रहता है मच्छी का, तो उन लोग खाएंगे नहीं। फिर यानी कि इमराती स्टाइल का बात बता रहा हूँ, बाकी स्टाइल में तो कच्चा पड़ता है। तो हम लोग ने धनिया इसमें ऐड कर दिया, अब इसको हम लोग छोड़ देंगे थोड़ी देर तक। हम लोग ने इसमें इमली भी ऐड कर दिया है, और ज़रूरत पड़ेगा थोड़ा इमली ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि हम लोग का करीबन मच्छी करी रेडी हो चुका है, और बस थोड़ा देर में हम लोग की मच्छी करी अभी निकालेंगे। और दोस्तों, जब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में अच्छा रेसिपी के साथ में, अच्छी वीडियो में आपसे मिलते हैं। शुक्रिया।